साथ हम यहाँ खड़े होकर और मूवी की सक्सेस पार्टी को इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब निश्चित रूप से बहुत लोगों की मेहनत है कि फिल्म वहाँ पर बनाई गई, उसके बाद फिल्म यहाँ पे जो है जितना भी काम हुआ वो परिश्रम का अलग विषय है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पर्दे पे लाने का श्रेय किसी को जाता है तो विवेक फिल्म से। मंजू भारती, मुकेश भारती वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने इतना अथक परिश्रम करके, क्योंकि लोग कहते थे कि शायद जो है किस तरह लॉन्च करेंगे, किस तरह रिलीज होगी, थिएटर पर तो आ ही नहीं सकती, तो ये ऊपर वाले की कृपा हुई, ये जुड़े इन्होंने मतलब जो है। और आपको मैं बताऊं कि छोटी सी बात कि कोई ऐसा प्लान नहीं था अचानक, मंजू मुकेश वैसे सामान्य रूप से मिलने आए थे और अचानक फिल्म की बात चली कि हम प्लान कर रहे हैं रिलीज करने की, तो उसके बाद इन दोनों ने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया और क्या बखूबी निभाया वो आप सबके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन कि आप सब आज इस इतनी प्रीशियस मोमेंट को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली एक फिल्म की एक जर्नी होती है और फिल्म जब पर्दे पर आती है, रिलीज होती है, फिर उसके बाद वो जर्नी हमारी तरफ से कंप्लीट होती है, लेकिन हमें इंतज़ार होता है ऑडियंस के रिस्पॉन्स का। तो ये फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिल्म काफ़ी जगह हाउसफुल रही और बस जो हमारी मेहनत थी वो सक्सेस रही। बस मैं थैंक्स बोलूँगी गुरुजी को कि गुरुजी ने ये जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना, तो मैं इसके लिए ही बहुत थैंक्सफुल हूँ। और बस आगे हम और एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं गुरुजी का, जिसका टाइटल कीमत है। सो कीमत अपने आप में ही एक इतना वेटेज वाला टाइटल है और फिल्म के स्क्रिप्ट और सारी चीज़ों पर अभी काम चल रहा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी फिल्म बनकर आएगी और बहुत बड़े लेवल पर ही आएगी। मैं वही तो कहने जा रहा हूँ, बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, चूँकि दो साल के बाद एक मीडियम बजट की फिल्म जो है सक्सेस हुई, कीमत, तो कीमत ने अपनी कीमत चुकाई है, तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और हम लोग बहुत, चूँकि विरार की तरफ शूटिंग थी, वहाँ से आ रहे हैं, मंजू जी का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, तो ये सक्सेस पार्टी के लिए, सक्सेस फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द बेस्ट दोनों के लिए। न्यू कॉमर्स मैं दुआ करता हूँ कि ये बहुत सक्सेस। एक न्यू कमर के लिए इतना कॉन्फिडेंस स्क्रीन पे देना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि उनकी जो सेकंड फिल्म जो उन्होंने अनाउंस की है वो भी एक अच्छा बड़ा सक्सेस और उसके भी सक्सेस पाएगी। परफॉर्मेंस में भी और उसकी बातों से, जैसे आप लोगों ने देखा, बहुत कॉन्फिडेंस वाला लड़का है और मेरी उसके साथ शुभकामनाएँ उसको, उसका फ्यूचर ब्राइट है इतना ही कह सकता हूँ। और वो खुद बोल रहे हैं कि सेकेंड फिल्म जो करने जा रहा है पहले से बेटर करेगा, तो ये उसकी आगे बढ़ने की पहली सफलता की सच्चाई है। आई विशिंग हिम अ रियली रियली गुड लक, बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह से वो बात कर रहे थे, एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू वॉच द फिल्म, बिकॉज फिल्म मैंने नहीं देखी है तो इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनको देख के मुझे लग रहा है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा, बिकॉज इज रियली गुड इन टॉक्स, एंड जो उनकी हिंदी पे पकड़ है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बॉलीवुड में कुछ अब ऐसे एक्टर्स भी और आ रहे हैं उनकी हिंदी में अच्छी पकड़ है। सो आई एम विशिंग हिम अ वेरी वेरी गुड लक एंड इवन फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म, आई होप वो आगे काफ़ी बड़े स्टार इन यूक्रेन। विपिन को और ख़ास करके मुकेश भारती और मंजू भारती जो हमारे बहुत क्लोज हैं, उनको मुबारकबाद, उन्होंने बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई और सबसे इम्पोर्टेंटली मुकेश जी और मंजू जी ने जैसे उसे रिलीज़ किया है, और बहुत बहुत मुबारकबाद, तभी सक्सेस पार्टी कर रहे हैं, बिकॉज आई एम श्योर मैंने खुद देखी नहीं है पर अब इतना कुछ सुना है फिल्म के बारे में तो हम ज़रूर देखेंगे। I just want to wish them all the very best for their next film also, which is Keemat, which has been announced. सफलता मिलती है तो सपना लगता है, आप सोचते हैं कि रुक रुक कर चलेगा, लेकिन जब स्मूथ रोड मिलता है और आपकी गाड़ी फुल स्पीड चल रही होती है तो लगता है कि सब ठीक ठाक है ना, लेकिन हाँ सब ठीक ठाक है। और उस पर अनदर स्टेपिंग स्टोन कीमत नई फिल्म, इट इज़ vividly wonderful dream. Also, जिस तरह का support मम्मी डैडी ने दिया है, मुकेश जी और मंजू जी ने दिया है, क्या कहना चाहेंगे उस support के लिए? देखिए आप business कीजिए, आप अकेले अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए, आप कुछ भी करेंगे आपको support की ज़रूरत होती है, और किस्मत luck शायद मेरे साथ है रहा है कि मेरे साथ support मेरे परिवार की, मेरे दोस्तों की, मेरे शुभ चिंतकों की, और
शायद उसी का ये नतीजा है कि एक फिल्म आपके सामने आई और उसी के साथ दूसरी का आगाज होने लगा। माय स्टोरी एंड विपिन वेरी गुड इन एक्टिंग एंड लाइक ए न्यू कमर बट ही वेरी गुड इन ईच एंड एवरीथिंग वी आर लाइक हिम सो दैट्स व्हाई वी आर लॉन्चिंग दिस। जिस तरह का सपोर्ट कमल एंटरटेनमेंट से मिला है क्या कहना चाहेंगे? यू नो जो है देखिए कमल एंटरटेनमेंट का जो बुनियाद है वो आज हमारे सामने खड़ी है ना, सुनील जी हमारे और कमल जी, और बहुत एक्साइटेड हैं, ये सब कुछ देख के बहुत खुश हैं और हमेशा जो है विपिन को जो है बहुत मान सम्मान करते हैं विपिन का। और आने वाली जो फिल्म है कीमत, उसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा मतलब योगदान सहयोग कहूँ, क्योंकि सब करने वाले तो आप ही लोग हैं, मतलब आप आगे हैं समझ लीजिए और हम पीछे हैं। कीमत जो है इनकी कीमत समझ लीजिए, मतलब मैं कोई कीमत ही नहीं है, अनमोल है, अनमोल है। यस, ये आपने अच्छी बात बोली, अनमोल है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कीमत को लेकर? अब जो है नई फिल्म भी अनाउंस हो गई है और लविंग यूक्रेन भी बड़ी हिट हो गई है, सबके कुछ में सर थोड़ा सा बताइए। मीडिया का, ऑडियंस का सबका हम शुक्रिया करना चाहेंगे, बहुत सपोर्ट किया, सबसे बहुत ही सहयोग मिला और फाइनली मंजू जी है, इन्होंने तो दिन रात जो मेहनत की है इसके बिना तो कुछ भी सक्सेस होना पॉसिबल ही नहीं। और कीमत को लेके हम बहुत एक्साइटेड हैं एंड अभी फाइनलाइज कर रहे हैं, बड़ी जल्दी ही इन नेक्स्ट वन मंथ और सो सामने आएंगी चीज़ें। तो मंजू जी थैंक यू कि मुझे ऐसे खूबसूरत से फिल्मों से आप रूबरू कराते हैं एंड हमारे स्टार्स से मुझे मुलाकात करने का मौका मिलता है। विपिन जी थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू मैं सुनील गर्ग और कमल आहूजा जी से एट द सेम टाइम जिनके आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। मुकेश जी थैंक यू सो मच, और आपके तीनों फिल्म्स में मैं प्रेजेंट थी और आपके इस ब्यूटीफुल फैमिली में भी मैं हिस्सा हूँ, सो थैंक यू सो मच। एंड एट द सेम टाइम पंडित पवन कौशिक जी को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी और बबीता कौशिक जी को जिन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है एंड स्पेशली लव इन यूक्रेन इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज के बाद शायद एटलीस्ट कुछ डेकेड्स तक तो वहाँ पर कोई फिल्म शूट ऐसे ब्यूटीफुल लोकेशंस पर नहीं हो सकती है। एंड बहुत ही स्पेशल फिल्म इसलिए है क्योंकि हमारी जो लीज़ा है वो यूक्रेनियन है और वहाँ का पूरा कल्चर उन्होंने खूबसूरती से दिखाया है जो शायद वर्ल्ड के लिए इसी फिल्म के दौरान वो देख सकते हैं द कल्चर ऑफ यूक्रेन, उसके बाद वो शायद ये नहीं देख सकें। तो ढेर सारी खुशियाँ हैं, सुपर सक्सेसफुल जो फिल्म की होती है हमने इतने सालों से नहीं देखी है और आज सुपर सक्सेस सेलिब्रेशन के साथ साथ अनवीलिंग ऑफ कीमत, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं भी इतनी खुश हूँ एंड मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी टू आर फ्यूचर सुपरस्टार विपिन, कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज अ ग्रेट बिगनिंग। एंड मंजू भारती जी थैंक यू फॉर टेकिंग द फिल्म टू 256 थिएटर्स ऑल ओवर इंडिया, 356 थिएटर्स ऑल ओवर इंडिया, आई थिंक दिस इज फिनोमिनल। एक्चुअली थोड़ी सी जलन हो रही थी क्योंकि मेरी पहली फिल्म सिर्फ 3 थिएटर में रिलीज हुई, अब सेकंड फिल्म में अब मैं इनको ही देने वाली हूँ मैं, क्योंकि सॉरी बट रियली इट्स अनबिलीवेबल कि 356 एंड दैट टू आप सबको बताना चाहूँगी हरियाणा वॉज सुपर हाउसफुल एंड इट वॉज ऑलवेज अ वंस मोर, सो कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।